चलिए प्रदीप ने कच्चा तेल रुपए इन सबकी जो बातचीत करी है उस पर आगे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, तो आज किस तरह का मूव रहेगा वहां पे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कमोडिटीज जब बातचीत करूंगा तो उस पर फोकस करेंगे। लेकिन इस समय निफ्टी पर कर लेते हैं और एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत हाय, गुड मॉर्निंग, क्या करेंगे निफ्टी पर? मॉर्निंग आशीष। देखिए कल हाफ एन आवर में हमने यू नो प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, हेवी वेट काउंटर्स में थोड़ा बहुत हमने सेलिंग प्रेशर देखा था, उसके चलते यू नो 11700 के जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 11700 के पुट में हमने यू नो हाईएस्ट ओपन का ओआई कॉन्सेंट्रेशन देखा था और उसमें हमने अनवाइंडिंग होते हुए देखा था, उसके चलते थोड़ा हम प्रेशर आते हुए देखे थे। एट द सेम टाइम 11750 के कॉल में हमने राइटिंग आते हुए देखी, तो आज के लिए शायद से 11750 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो सकता है। बट दोनों लास्ट एक महीने से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमारे लिए वर्क की है और हमें अगर पोजिशनल व्यू रखना है तो 11900 के पहले कोई भी ऐसा मेजर रेजिस्टेंस दिखता नहीं है, तो यहाँ पे भी जो डिप आई है उसमें हम बाइंग की सलाह दे रहे हैं। आज के लिए 11640 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के 11750 का टारगेट रहेगा। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी तक बिल्कुल सटीक पड़ी है, उसी को बिलीव करेंगे। 11750 तक के टारगेट्स यहाँ पे नजर आते हैं, तो रेंज समीत वही बात कर रहे हैं, 11640 से 11750 का वो दायरा है। देखिए वो स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है और प्रदीप ने भी यही बात हाईलाइट करी थी, उस दायरे को स्मार्टली प्लेअप करना, किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने का मन बनाना और इवेंचुअली 11750-11760 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। अच्छा, एक्सपायरी पोल जो हमने कल करा था, जो हमने हाईलाइट करा था, वो भी इसी लेवल्स के आसपास एक्सपायरी की बात कर रहा था, 11750 से 11850% पोल रिस्पॉन्डेंट्स ने यही कहा था, यानी कि दिग्गज ब्रोकर्स ने यही कहा था कि उम्मीद तो 11750 से 800 के बीच में है अगस्त वायदा की एक्सपायरी की। देखते हैं आज 3:30 बजे दरअसल एक्सपायरी के लेवल्स के आसपास होती है और बाजार के तमाम विशेषज्ञ कितने सटीक पड़े इस कॉल को लेकर। लेकिन समीत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? ना, समीत से बात नहीं हो पा रही, तो एक काम करें, समीत के दोनों कॉल स्क्रीन पर लेकर आया, मैं पढ़ देता हूं। समीत का पहला पिक है, वो रेमंड्स में खरीदारी करने का मौका ढूंढ रहे हैं, 794 का स्टॉप लगाएं और 895 तक के टारगेट्स रेमंड हासिल करता हुआ नजर आएगा, तो इस स्टॉक में खरीदारी करनी है। और दूसरा है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। अच्छा, दोनों ही सिमिलर बिजनेस मॉडल्स की कंपनियां हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स में खरीदारी करने का मन 998 के टारगेट्स के लिए 938 के स्टॉप के साथ। तो समीत ने दोनों स्टॉक खरीदे हैं, रेमंड और सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जहां पे दाव लगाया है। बाकी के एक्सपर्ट्स के कॉल अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।